मैं आपका धन्यवाद करती हूँ ओशो कालिया कि आपने मुझे बुलाया, गुरुजन ने मुझे बुलाया। सबसे जिंदगी का सबसे जरूरी वस्तु कहें या लाइफलाइन कहें, उसके लिए बुलाया। मैं आपको छोटी सी पुडुचेरी की कहानी सुनाती हूँ कि हम कहाँ से गिरते हुए वाटर लेवल से हम कहाँ आए। दो साल मैं पुरानी बात कर रही हूँ 2016 की, जब मुझे ये जिम्मेवारी दी गई थी पुडुचेरी के काम की, तो हाहाकार मचा हुआ था और जल स्तर गिरता जा रहा था, लोग बहुत परेशान थे। ये सही बात है, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद आपको मैं एक मॉडल दिखाना चाहती हूँ जो हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुंचे, और आपको फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि इस वक्त हमको क्या करना है। अभी हमको ये करना है कि सरकार के जो कार्य हैं वो तो करने हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन जैसे गुरुजल जैसे संस्थाएं, आप 60 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ओशो, मैं कहूंगी 600 पॉइंट। इस वक्त तो एक पॉइंट भी छोड़ने की मतलब नहीं है। सिचुएशन इतनी गंभीर है कि अब हम 60 पॉइंट से काम नहीं हो सकता, हमको हर एक पॉइंट की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको पांडिचेरी का मॉडल बताऊंगी जहां हमने यही कार्य किया, और आपको मैं बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहूंगी कैसे किया। ये पहला मॉडल, पहला काम है ये जो हम सब कुछ कर सकते हैं और जो गुरुजल कर रहा है। मैं गुरुजल को बोलती हूँ कि गुरुजल को इस वक्त जरूरत है घर घर में पहुंचने की, चाहे हीरो कॉप है, चाहे नवज्योति इंडिया फाउंडेशन है, चाहे हमारे सरपंच हैं, महिला मंडल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यूथ ग्रुप्स हैं, ये सबको एक एक करना। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ शुरू कैसे करना है। अब हमने ये नहीं कहना पूछना कि कलेक्टर साहब आए, SDM आए, SDO आए, नहीं, हम खुद करेंगे। और देखो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा था, नाउ सीइंग इज करेक्टिंग। मैंने फर्स्ट वर्ड मेरा है सीइंग इज करेक्टिंग, ये ध्यान से समझना क्योंकि ये एक सक्सेसफुल मॉडल है जहां सीइंग है, आप देख रहे हैं और आप कर रहे हैं। आपने अगर 60 पॉइंट देख लिए तो आप 60 पे चल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इस वक्त कोई पॉइंट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि घर गांव गांव में सख्त जरूरत है, क्योंकि वाटर इज लाइफ। वाटर एक रिसोर्स नहीं है, एक इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, वाटर इज लाइफ। अगर आज कोविड के साथ साथ हमारे पानी बंद हो गया तो हम लोग सभी गए। जितना स्वच्छ रहेंगे उतना कोविड से भगा सके, तो भी स्वच्छता के बावजूद भी पानी आज बंद कर दो आना, गंदगी फैला दो, तो मेरा ख्याल है ह्यूमन काइंड विल गो एंड पेरिश। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सीइंग इज करेक्टिंग, कलेक्टिव एंड रेगुलर ऑन साइट विजिट्स बाय ऑफिसर्स ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, एक्टिविस्ट, एनजीओस एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जो आइडेंटिफाई करे वाटर बॉडीज इन द सिटी और उस सिचुएशन को समझे। तो मेरी पहली प्रार्थना ये है कि हम किसी के इंतजार ना करें, गुरुजल की टीम एक इमरजेंसी गाड़ी बैठे और गांव गांव में एक एक पेट्रोलिंग, तीनों का भी मॉडल बन सकता है, हीरो कॉप, नवज्योति और गुरुजल, और प्रधानों को उस एरिया के गांव गांव का सर्वे शुरू करें। उसमें गाड़ी, एक मोबाइल गाड़ी, हीरो कॉप के पास सब कुछ है, आपको एक गुरुजल गाड़ी एक दे और गांव गांव का सर्वे शुरू करें। सुनी सुनाई नहीं, जाओ देखो, गांव गांव में देखो और गांव गांव के निवासी देखो। हम ही सिर्फ नहीं देखे, हम दिखवाए और दिखवा के उनको बोलो जिम्मेवारी ले। तो मेरी पहली प्रार्थना है सीइंग इज करेक्टिंग। यही हमने किया था प्रशासन ने और मिलके, जैसे हमें कुछ पता चलता था तो हम जाके देखते थे और रिपोर्ट नहीं मांगते थे, कागज की रिपोर्ट जीरो, लेकिन 100% रिजल्ट। तो अब लोगों को इकट्ठा करते थे गांव के आस पड़ोस के पॉन्ड में, SHG वेमेन को कि बोलो जिम्मेवारी अब संभालो, और फिर श्रमदान करते थे। दूसरी चीज ओशो, सेकंड पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन। अब मुझे मालूम नहीं है क्या हर गांव में अपनी अपनी उन्होंने डायरेक्टरी बनाई है, अपने पॉन्ड्स की, अपनी वाटर बॉडीज की डायरेक्टरी बनाई है, तो क्या उस पंचायत ने अपनी जिम्मेवारी ली है पूरी डॉक्यूमेंटेशन से, ताकि कोई भी चीज ना, हमने उसको जी टैग किया था ऊपर से, हर पॉन्ड को जी टैग करना शुरू कर दिया था टू ट्रैक उस पॉन्ड की सिचुएशन क्या है, पॉन्ड को स्वच्छ करना, पॉन्ड के आसपास पेड़ लगाना, पॉन्ड में फिर मछली छोड़नी ताकि बीमारी का घर भी ना बने, और उसके आसपास फेस्टिवल करना ताकि पानी की पूजा हो। सो सेकंड थिंग इज प्रेपरेशन ऑफ डायरेक्टरी, अगर डायरेक्टरी मैपिंग एंड ब्रिंगिंग अंडर वॉच ऑल वाटर बॉडीज, चैनल्स, ड्रेन्स बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, प्रिपरेशन ऑफ अ डायरेक्टरी ऑफ वाटर बॉडीज। सो टेक्नोलॉजी का यूज करके जियो टैग करें और उसका संभाले। सो इस वक्त इशू 60-80 नहीं है, मैं कहूंगा कोई पॉइंट नहीं छोड़ना,
क्योंकि एवरी पॉन्ड मीन्स इंप्रूवमेंट इन वॉटर टेबल. ये जो हमने सिस्टम करा, ये स्टेप टू, मैं आपको 7 स्टेप्स के बाद बताऊंगी हमारा वाटर लेवल कहाँ आया पांडिचेरी में. ये सारी इंफॉर्मेशन राजनिवास की वेबसाइट में है और हमारे पास एक पब्लिकेशन भी है, आप इसको ध्यान से समझना और आपको आइडिया मिल जाए. इस वक्त क्या कर सकते हैं, मई और जून में जुलाई की पहली बारिश से पहले हम ये संभाले. तीसरी चीज, आप ये वेट मत करो कि सरकार की प्रोजेक्ट आएगी, मशीनरी आएगी तब करें, जिस जो भी है उससे शुरू कर दो. और आपके पास तो कोई मशीनरी की कमी नहीं गुड़गांव में, और उनके पास सबके पास अर्थ मूवर्स है. पॉन्ड को डीसिल्ट करना है, जल्दी क्लीनिंग करनी है, हीरो कॉप की मदद से आप पूरी मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन से, उनसे लेबर नहीं जो ओनर्स हैं उनकी मदद से बोरो दैट मशीनरी. लेकिन मशीनरी बोरो कर लो, और नहीं तो मनरेगा तो हर जगह आज है. तो मनरेगा से क्या है, हर पॉन्ड मनरेगा को संभाल सकता है. उसमें पढ़ा लिखे की कोई जरूरत नहीं है, अपनी वेजेस लो, पैसा आपको अगर वेजेस का सरकार देती है, और इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं मनरेगा के बजट की, जितना खर्चा करते हो और रेप्लेनिश होता है. इसलिए मनरेगा से महिलाएं, यूथ, मनरेगा से सेवा भी हो गई, आपको अपनी डेली वेजेस ऑलमोस्ट 300 to 400 rupees अ डे वेजेस मिलते हैं उसके. ऑलमोस्ट अबाउट फ्रॉम 365 days यू कैन यूज मोर देन 200 days. सो दैट मीन्स यू कैन अर्न, स्टूडेंट्स यूथ संभाल सकती है इसको, उससे अपनी अपनी पढ़ाई का खर्चा कर सकती है. सो मेरी रिक्वेस्ट है, बिगिन विद व्हाट यू हैव. अगर मशीनरी नहीं है तो मनरेगा है, इसमें लाइवलीहुड भी मिलेगा और आपको आप अपने अपने पॉन्ड को. सो डायरेक्टरी भी बन गई, हम देखें भी, डायरेक्टरी भी बन गई और आइसोलेट हो गया, उसकी जिम्मेवारी होगी कि मनरेगा. सो ये नहीं कहे तो, लेकिन ये श्रमदान का कॉन्सेप्ट है. अगर मान लो मनरेगा ना होता तो ये थोड़ी होता कि हम उसको सूखा रखते, हम श्रमदान करते गांधी जी की पॉलिसी से. सो हम श्रमदान कर सकते हैं. सो श्रमदान करें. अगर मनरेगा किसी को पैसा चाहिए जरूर लेंगे, उसके लिए आपको पंचायत के पास फंड्स हैं, बीडीओ के पास है, आप जा सकते हैं. सो मेरी रिक्वेस्ट ये, मनरेगा को पूरा यूज करें. चौथा सेक्शन है, वेयर एवर मशीनरी इज रिक्वायर्ड एंड द फंड्स आर शॉर्ट, अपील करो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमने ये किया था पांडिचेरी में ये हुआ था कि सूखे थे कनाल्स, इरिगेशन कनाल सारे सूखे ही नहीं पड़े थे, बारिश तो होती थी लेकिन वो ओवरफ्लो करती थी क्योंकि उसकी कोई भी 30 to 40 years डीसिल्टिंग नहीं हुई थी, उनमें झाड़ियां और बहुत कचरा सब कुछ आ गया. तो हम जब बारिश आएगी तो वो तो ओवरफ्लो करेगी क्योंकि वो फ्लड करेगा, क्योंकि वो इरिगेशन के कैनाल में कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी नहीं है. तो ये जा के जब हमने देखा तब हमने ये महसूस किया कि इस वक्त हमको मशीनरी की जरूरत है, लेकिन मशीनरी के लिए पैसे चाहिए. और मैंने देखा पीडब्ल्यूडी में कोई पैसा नहीं था, दोनो मनी हैड बीन केप्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग. तो उसके लिए हमने अपील की डोनर्स को. तो कई डोनर जो, और खासकर वो डोनर जो कि पैसा पानी से ही चलता है, जैसे MRF है, जैसे ल्यूकस है, ये बिना हीरो कॉप है, ये बिना वाटर के दे कैन नॉट मेक एनी मशीनरी लाइक बेवरेजेस, ड्रिंक्स, ये सबको वाटर चाहिए. दे आर वाटर गजलर्स. सारी तुम्हारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाटर गजलर है. They must contribute towards desilting of the ponds, the irrigation canals, whatever is required, ताकि आप इसको मशीनरी को. लेकिन आप स्टेप फाइव देखो ध्यान से. स्टेप फाइव ये था कि हम सरकारी गाइडेंस देते थे लेकिन पैसे को टच नहीं करती थी कोई भी एनजीओ. सीधा डोनर, जैसे हीरो कॉप ने मान लो एक मशीनरी वाले से बात की, सीधा आप उन्हीं को पैसा दो, सीधा पैसा दो. सरकार को बीच में डालने की जरूरत नहीं, सरकार का CAG ऑडिट नहीं चाहिए. ऐसा किसी पॉलिटिशियन ने हाथ नहीं लगाना, किसी पंचायत ने नहीं लगाना, किसी एनजीओ ने नहीं भी लगाना. फॉरगेट इट, यू बिकम फैसिलिटेटर्स, ताकि पैसा डायरेक्टली मशीनरी वाले के हाथ में जाए. ये मैंने क्यों किया था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पैसा तो बीच में गायब कहीं हो जाता है तो हमें तो पैसा मिलता नहीं. तो हमने कहा ठीक है, तुम मशीनरी लाओ, हमारा जूनियर इंजीनियर देखेगा, आपकी देख रेख करे, उसकी तो तनख्वाह उसको मिलती है, वो अपनी ड्यूटी करेगा कि आप काम ठीक करें. तो डोनर और मशीनरी को डायरेक्ट पेमेंट हमारा कोई, और वो भी फैसला करें आपस में आपको क्या चाहिए. तो नेगोशिएट भी आप खुद करें. तो उसके बाद कोई पैसा इधर उधर नहीं हुआ, सीधा पैसा डायरेक्ट, उसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर. ज-
जैसे डीबीटी है ना, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डोनर ने किया। सो एनजीओ को आपने कुछ देना है तो एनजीओ को दो, जो उसने मोबिलिटी की कॉस्ट है, कम्युनिकेशन की कॉस्ट है, अवेयरनेस की कॉस्ट है, तो ये उसकी एनजीओ की। लेकिन मशीनरी में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को दो। एनजीओ घूमती रहे, एनजीओ को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि मोबिलिटी की कॉस्ट है, अवेयरनेस की कॉस्ट है, स्टाफ की कॉस्ट है, ये एनजीओ को कॉस्ट सीएसआर से हो जाए तो बहुत अच्छा है। उससे एनजीओ घूमता रहेगा काम को ऑनरेट। लेकिन मनरेगा भी है हमारे पास, तो हमारे पास इनकम का जोर है। सो ये मैंने बताना था कि हमने गाइडेंस से किया डोनर टू पे प्रोवाइडर डायरेक्टली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि बहुत कामयाब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप 6 वाज बेनिफिशरीज। हमने लोकल कम्युनिटी के साथ काम किया। तो लोकल कम्युनिटी का मतलब गांव की पंचायत, गांव का एसएचजी, गांव का की महिला मंडल, गांव की लोकल क्लब, यूथ क्लब, गांव का स्कूल, गांव का पंचायत। सो गांव बहुत बहुत जरूरी है, ये हमें उनको कोलैबोरेट करना। तो वो अपने ग्रुप बनाए और सारे जिन्हें बेनिफिशरीज इसकी जिम्मेवारी ले और वो मॉनिटर भी करें। इसी ने आपको मैंने बताया था कि हमने पानी पंचायत बनाई थी, इसीलिए पानी पुलिस महिलाएं भी, जैसे कालिया ने भी बोला कि आप जाके देखते हैं पाइप्स की लीकेज है उसको करेक्ट करते, ये पानी पुलिस कर रही थी। सो बेनिफिशरीज की जिम्मेवारी लेनी बहुत जरूरी है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने मॉडल में बताया, वह रिकग्निशन। आप जब हम वाटर डे मनाए तो ऐसी सारी गांव गांव में इसकी सेलिब्रेशन हो, किन लोगों ने क्या क्या किया और अपने गांव को एक तरह की नुमाइश दिखाए कि देखो मैंने अपने पॉन्ड को ये किया, मैंने जोहार लगाई, मैंने ये वो क्या बोलते गेबियन स्ट्रक्चर बनाया। जैसे सैगल फाउंडेशन की मदद से नवज्योति ने बहुत सारे गेबियन स्ट्रक्चर्स बनाए जिसकी वजह से वहां तालाब बने और पानी का लेवल, उसके बाद सोलर पंपिंग भी हुई। ये जो नवज्योति ने किया, मैं उसका प्रचार नहीं इस वक्त करना चाह रही, मैं ये कह रही हूँ इस वक्त जो कम्युनिटी कर सकती है वो करे। गवर्नमेंट के पास पैसे भी कमी होती है और कमी समय की भी कमी होती है, प्रायोरिटीज भी शिफ्ट होती रहती है इसलिए। लेकिन हमारी कम्युनिटी की प्रायोरिटी वाटर की शिफ्ट नहीं हो सकती। मैं आपको एंड में रिजल्ट बताना था कि जो गिरती हुई स्तर थी एट 2 मीटर, इट वॉज फॉलिंग बाय मीटर्स एवरी ईयर। ये जो वाटर हाइड्रोग्राफर की रिपोर्ट है कि 6 to 7 meters वाटर लेफ्ट वेंट अप, जो गिर रहा था वो बंद हुआ और ऊपर 7 meters अप। लेकिन उसके बाद हमने ट्यूबवेल कटवाने बंद किए, ट्यूबवेल बंद कर दिए, सर्विस वाटर को यूज करो। इसमें और एग्रीकल्चर पॉलिसीज भी हैं, अब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। क्रॉप सब्स्टिट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स की मैनेजमेंट बड़ी है, ये हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। सुनीता नारायण की ट्रेडिशनल मेथड जो उसने बताया, उसकी बुक है डाइंग, आई थिंक देयर वाज समथिंग कॉल्ड बुक ऑफ डाइंग विजडम। ये डाइंग विजडम थी जहाँ पहले लोग हमारे गांव के कैसे पानी को संभालते थे, ये बुक पढ़े उसकी डाइंग विजडम। जो हरियाणा में इट वॉज ऑल अबाउट जोहर एंड वॉट दीज गेबियन स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। सो हर एक स्टेट में अपने अपने तरीके का कल्चर और हिस्ट्री है, वो शी इज डॉक्यूमेंटेड दिस इन दिस बुक, बुक ऑफ डाइंग विजडम। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाइंग विजडम, क्योंकि वो विजडम है लेकिन वो भूली जा रही है। कोई इसको शिक्षा नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं, अगर हम दें अपने युवाओं को तो बड़ा फर्क पड़ेगा। सो आई थॉट दिस इज द वे, आई थॉट आई विल गिव यू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रॉब्लम्स आर गैलोर, लिटरेचर इज गैलोर, इश्यूज आर नोन, स्टैटिस्टिक्स इज अवेलेबल, रिसर्च इज अवेलेबल, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अब हमको अपने इस एरिया में एक गांव में एक पॉन्ड भी नहीं छोड़ना। टू मी दैट इज द रियल चैलेंज एंड दैट इज व्हाट हैज इंस्पायर्ड मी टू कम, कि देर नहीं करें, मई और जून को संभाल लें ताकि जुलाई की पहली बारिश की एक एक बूंद उसी तालाब में पड़े, ये भी स्ट्रक्चर में जाए और इरिगेशन, अगर कोई नाली बनी हुई है पानी जाने के उधर जाए, तो मैं समझती हूँ हम अपने आप को बचा लेंगे। सो मैं समझती हूँ हम लोग अगर ऐसे भी शुरू करेंगे, मेरे भैया, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो हम अपनी पानी पानी की जो वाटर इज लाइफ ही रहेंगे, अदरवाइज देयर विल बी नो लाइफ विदाउट वाटर। लाइफ इज वाटर, वाटर इज लाइफ, बट विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो लाइफ, इट बी वर्स देन कोविड ऑल्सो, क्योंकि वो हर एक को पहुंच नुकसान का। खाना कभी हमारा खत्म हो जाएगा,
आज हमको कम से कम खाना तो मिल रहा है, अनाज तो मिल रहा है, हमारा किसान कमा रहा है, वो खेती कर रहा है क्योंकि पानी है। लेकिन अगर पानी भी गया, ऊपर से महामारी भी आई, तो इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं समझती हूँ ये एक ऐसा कर्म है। मोबाइल जैसे ग्रुप्स, मोबाइल वैन्स बनाए, हीरोकॉप जैसे मोबाइल वैन्स दें, अनाउंसमेंट करें, माइक अनाउंसमेंट करें, अवेयरनेस करें, पॉन्ड पे जाएं, जाकर देखें, शोर मचाएं और उसको पीछा पड़े और मनरेगा से काम करवाएं, देखिए चमत्कार हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब मैम कुछ सवाल हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि पहला एक सवाल है स्मृति आहूजा जी का। स्मृति आहूजा जी का सवाल है, कैन समवन शेयर प्राइस ऑफ सेटिंग अप रेन आफ्टर हार्वेस्टिंग प्लांट एज पर कैपेसिटी? आई वुड से दैट आई थिंक अपनी गुरुजल की वेबसाइट में वाटर हार्वेस्टिंग की ऑप्शंस हर गांव में कहां कहां से क्या कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल है, लेकिन अगर हम लोग ये अवेलेबल कर दें, ये भी अनाउंसमेंट में करो, ये भी अनाउंसमेंट करो हर टाइम पे। एप्लीकेशन ऐप पे मत जाओ, सिर्फ वेबसाइट में मत जाओ, सिर्फ अनाउंसमेंट भी करो, क्योंकि गांव गांव में हर महिला को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग पिट भी कैसे बनानी है। ये शिक्षा डेमोन्स्ट्रेटिव अगर करने लग जाएंगे तो फायदा होगा, कॉस्ट भी क्या है। तो आप बड़ा कुछ हाथ से भी कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी लेबर से। दो तीन चीजों की वर्चुअल करना जरूरी है इस वक्त ओशो जी मैम। एक तो पंचायतों के साथ जी मैम, जैसे आपने ये इनिशिएटिव लिया ना, सारी पंचायतों के साथ करना, महिला मंडलों को मिलाइए। इस वक्त ज्यादा काम अगर करना है तो ये वर्चुअल ये शुरू करें, महिला मंडलों के साथ, एसएजीज के साथ और गांव में ये सब पंचों के साथ, और मोबिलिटी शुरू कर दें। जी मैम शुक्रिया, आपकी संस्था से हम जुड़ के कुछ जर्मन टेक्नोलॉजीज हैं जो पानी को वहीं बचा लेती हैं जहां पर बारिश गिरती है, वैसा एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट लगाने की कोशिश करेंगे। पर मेरा कहना यह था कि चूंकि बिल्डर्स के पास में पैसा नहीं है, और सबसे ज्यादा ज्वलंत समस्या जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग्स वालों को है कि वो अपना पानी नहीं बचा पाते, तो उनका सारा पानी सड़क पे आता है जिसके कारण सड़कें सारी जो हैं वो जैम हो जाती हैं। तो वो सजेशन लॉन्ग टर्म का है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू मैम। उनकी कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट है, इट शुड बी पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। रीसाइक्लिंग, एसटीपी रीसाइक्लिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, all these are part of the construction of these buildings, and the building should not be cleared till water harvesting, solar harvesting and stps are made. This is it. As apna water recycling taki aapko garden mein apna hi sewage treatment plant mile garden ke watering ke liye. So I think solar, these are things now which are part of the clearance of a building plan now. I think Gurujal now should declare its action plan for the next 3 months. That's the main thing. And who is to do what and work together. At the moment, save, you will make a miracle. Yes, अब हमने एक दूसरे को सुन लिया, प्रॉब्लम समझ रहे हैं, चैलेंजेस हैं, इसीलिए तो आपने इनिशिएटिव लिया। Now take it beyond virtual now onto the field. जी मैम। जो जो वॉलंटियर्स इस वक्त जुड़ सकते हैं जुड़ जाओ, अगर पांच हाथ भी के पांच भी जुड़ रहे हो जुड़ रहो, doesn't matter. अपने आप पांच के पांच हो जाएंगे, लेकिन डोंट वेट फॉर 5 टू बिकम 500. जी मैम। एक मैम इसी बात पे जो आपने बोला है कि गुरुजल का 3 मंथ्स का क्या प्लान है, तो हमें जैसे दिशा निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मिले हैं। एक तो हम मैम यहाँ पे अपना रेन सेंटर शुरू कर रहे हैं गुरुजल में ही, सरकार की मदद से। तो उसमें क्या होगा कि जितने लोगों के सवाल हैं कि मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करूं, मैं क्या करवा सकता हूं, क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं या ऐसे कर सकती हूं, तो उन सभी सवालों के जवाब वो रेन सेंटर का एक नंबर होगा मैम, वो सबको हम दिया जाएगा, जिसका भी जो सवाल है वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होंगे तो वो उनको आंसर करेंगे। एक तो काम हम ये करने के जा रहे हैं, ये कॉल सेंटर बना कर नंबर बना, कॉल सेंटर उसको नंबर सर्व सेंटर, एक वो जैसे कहते हैं ना नंबर सेंटर 1-800 का टोल फ्री, स्टार्ट अ टोल फ्री नंबर, दैट्स अ गुड आइडिया। Yes, ma'am. That is like these instructions have been given to all the districts from the Prime Minister's office. Right. So, hum bhi district mein kar rahe hain aur wo hum karke then we have to upload it on the Jal Shakti Abhiyan. Very nice. Main to request karungi ki week wise plan declare karo aur jitne bhi log is waqt jude hue hain unke paas option ho aapke sath judne ki,
ताकि उनको पता चल जाए कि इस वीक में गुरु जल ने आप क्या प्लान है, सो दैट दे कैन पुट इन. मैंने देखा बच्चे कई स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, तो वो जुड़ जाएंगे कि हम इस एरिया में आज काम कर रहे हैं. सो इट्स एन अनाउंसमेंट. लेकिन मैं आपको बता दूं ओशो, अगर हमने आज इस जो हमने सबने मिलकर इतने घंटे डोनेट किए इस कॉज के लिए, मोबिलिटी और माइक्रोफोन एंड अनाउंसमेंट शुड बिगिन. यस मैम, नोटेड. शुड बिगिन, नोटेड मैम. हाँ, ये शुरू कर दो. इससे यू विल ओपन योर अकाउंट. इस वक्त अब ना दफ्तर में बैठने का काम नहीं है, अब सिर्फ मोबिलिटी का काम है. अगर आपको व्हीकल और मोबिलिटी मिल गई और शुरू कर दिया और खड़ा खड़ा आपने छोटे छोटे मीटिंग्स करने शुरू कर दिए, कोविड भी हो गया इससे, आपको डिस्टेंस भी मेंटेन हो गया आपका, आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी हो गया, क्योंकि माइक्रोफोन गाड़ी से तो कोई आपको कोविड टच नहीं करेगा. मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, अपनी आईज को कवर करो और गाड़ियों में करो, अपना संभालो तो सही, अपना अपना जोड़ तो संभालो, अपना अपना गांव तो संभालो. अगर ये भी शुरू कर दोगे तो अनाउंसमेंट, दैट मींस यू मीन बिजनेस. उसके बाद वहां पर जो बच्चे हैं, स्कूल है, यूथ है, वो संभाल लें अपना. ठीक है मैम. सो वी डोंट नीड एनी पेपर वर्क नाउ, जस्ट हैव अ प्लान ऑफ मोबिलिटी एंड अनाउंसमेंट एंड अवेयरनेस एंड टीचिंग. वॉटर हार्वेस्टिंग कैसे, खड़े होकर दूर से अनाउंसमेंट करते रहो, कोई कोविड नहीं आपको छुएगा. कम से कम हम ये तो शुरू कर दें, आप देखोगे यही चमत्कार हो जाएगा. ठीक है मैम. मैम आई एम श्योर कि आपका ये बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज में, तो हम हमारी टेक्निकल टीम और बहुत सारे हमारे टीम के मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं. आई एम श्योर उन्होंने नोट कर लिया और हम इस चीज पे काम तुरंत चांदनी मैम जी के नेतृत्व में, उनकी गाइडेंस में और आपकी गाइडेंस में हम ये शुरू कर देंगे. आप सब कुछ जानते हैं, खुद भी जानते हैं, लेकिन हम सब जने अपने विचार बांट रहे हैं. कोई किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए हमको इस वक्त, विचारों की समूह चाहिए. जितना आइडिया जो अच्छा हुआ, स्कूल वाले बच्चे अपने अपने स्कूलों, हर स्कूल की वाटर हार्वेस्टिंग. अब मुझे मालूम चांदनी ने बताया था कितने स्कूलों में वाटर हार्वेस्टिंग हो गई है. तो दैट मींस उस प्रिंसिपलों ने जो अवेलेबल है वो तो कर ले. सो स्टार्ट नाउ, डोंट वेस्ट अ सिंगल डे. एंड नाउ हिसाब लो आपस में और एक अपनी वेबसाइट की डायरेक्टरी बना दो, ताकि हर एक को पता चल जाए उसका व्हाट्सएप नंबर. बल्कि बेस्ट है आपका व्हाट्सएप होगा गुरुजल का, एक व्हाट्सएप ग्रुप है. ऑल ऑफ यू. यस मैम. गुड, तो उसमें बांटते जाओ इन्फॉर्मेशन, इस हफ्ते में ये है काम कर रहे हैं. सो स्टार्ट, इफ यू हैव गॉट गुरुजल व्हाट्सएप, एक्सेलेंट. उसमें दूसरे एनजीओ जोड़ लो. डायरेक्टरी तो मैं हार्ड कॉपी है, व्हाट्सएप तो टेक्नोलॉजी हाथ में. तो और भी एनजीओ वॉलंटियर्स स्टार्ट मेकिंग द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ गुरुजन, और उसमें आपस में बांटते जाओ कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं. लेकिन मोबिलिटी शुरू कर दो. यू बिगिन विद व्हाट यू हैव, योर टेक्नोलॉजी, योर व्हीकल, योर पीपल, एंड यू स्टार्ट गो. स्टार्ट इट. ऑलराइट मैम, विल डू दैट. यस मैम, एक मैं सोचता हूँ कि एक आखिरी सवाल हम ले लें, सो दैट वी कैन एंड दिस सेशन. हां लीजिए सवाल, और ले लो. सवाल के लिए कोई हमें कमी नहीं है. सर मैं आए जी, अपनी जी. हाँ जी मैम, नमस्ते. मेरा नाम अवनी सब लोग है. आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. तो मैम अगर कुछ हिली स्टेट्स के लिए, हिली स्टेट बेटा, अगेन प्लेन्स का अपना तरीका, वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके हैं, प्लेन्स के, हिल्स के अपने हैं. सी नाउ अगेन, टैप द एक्सपर्टीज अवेलेबल इन दी, एंड देयर इज अ कॉल्ड एंशिएंट विजडम. ये लोग को शुरू से पहले पाइप वाटर था, कोई शुरू से था, लेकिन लोगों ने बहुत अच्छे अपने अपने वाटर स्ट्रक्चर्स बनाए थे. So, हिमाचल में भी एंशियंट विजडम ढूंढो कि पहाड़ी से भी, क्योंकि वहां माइनिंग हो गई, जब जहां माइनिंग हो गई तो वहां पर खत्म हो गया वाटर, खत्म हो गया, फ्लो निकलना बंद हो गया. सो आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज एरिया का एक्सपर्टीज ढूंढो, एंशियंट विजडम ढूंढो, और उस पहाड़ों को में वाटर पानी कैसे संभालना है वो सीखो. वहां पर लोकल सोल्यूशन ढूंढो. हम प्लेन्स वालों के से नहीं, वहां पहाड़ वालों से, बुजुर्गों से पूछो कि आप कैसे करते थे, वो करो. ओके जी मैम, थैंक यू. अपनी जी, गुरुजल या नवज्योति इंडिया फाउंडेशन आप लिख सकते हैं हमें, और अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए होगी, वी आर ऑलवेज देयर विद यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हैं, आज का सेशन तभी हम कामयाब मानेंगे कि अगर जितने भी हम लोग सुन रहे हैं एक संकल्प लेके उठें कि हाँ, हम पानी के बारे में जो जो भी हमारी सोच है, जो जो भी हमने बात की है, उस पे अमल जरूर करेंगे. ऑलराइट, बाय. थैंक यू मैम. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम.